उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने आए हैं। इंदौर पहुंचने के तत्काल बाद ही वह हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे, जहां नागझिरी स्थित हेलीपैड पर स्थानीय भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी कर स्वागत किया। यहां से वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की ओर गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का गाय के दूध घी और शहद से भगवान का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान महाकाल प्रबंध समिति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवान महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री गढ़कालिका स्थित भरतहरि गुफा पहुंचे, जहां 151 बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया। यहीं पर मुख्यमंत्री ने अपने वजन के बराबर गौशाला में गौमाता को गुड़ खिलाया और भगवान गोरक्षनाथ, राजा भरतहरि और गोपीचंद महाराज एवं गादी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान भर्तृहरि गुफा के पीर महंत रामनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल भेंट कर सम्मान किया गया। पूजन करा है, हम पूजन कराते तो गाड़ी को नहीं देखते हैं। हम भगवान के प्रति हमारी भावना रहती है और भक्त के प्रति भावना रहती है। मन से पूजन होती है भगवान की, और भगवान की जो पूजन हुई है योगी जी की, के हाथ के महाकालेश्वर का, समस्त विश्व का कल्याण हो। और जो संकल्प करा है वो अपने मन से करा है, उनने तन में ही माना है शिव संकल्प मत हो, इससे सारा राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानव हो में सद्भावना बनी रहे, ये कामना है। और 16 भगवान का पूजन हुआ है, पंचामृत स्नान और रस से स्नान हुआ भगवान का, चित्र से स्नान करा है, प्रेम से भक्ति से भाव से उनने भगवान महाकालेश्वर का महापूजन करा है। और प्रसन्नता से होके उनने भगवान से अपना आशीर्वाद मांगा है और समस्त पुजारियों ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करा है। समस्त ब्राह्मण का भी कल्याण हो, समस्त देशवासियों का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, और यही मनोकामना है। सारे संसार में जल वृष्टि होती रहे, अन्न धन जन सब भरपूर होता रहे। जय श्री महाकाल, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।